हेलो दोस्त, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अखंड प्रताप सिंह। दोस्तों, अभी कोरोना गया नहीं था कि उसी के खानदान का साला दूसरा बंदा आ गया, ओमिक्रॉन, और हम सभी को परेशान किए हुए है। मैं मुंबई में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रही हैं चीज़ें। बिना मास्क आप बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं। बहुत तेज़ बढ़ रहा है और आशा करता हूँ आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। सेफ़ रहिए, मास्क लगा के बाहर जब भी जाइए मास्क लगा करके जाइए। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन कर दिया है, मगर पहले जैसा नहीं होगा। चीज़ें आसान होंगी, काम तो चलता रहेगा। पहले जैसी बंदिशें उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो होंगी ही। बचना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक छोटे से पॉइंट पे। यार, ग्लास रेलिंग के पॉइंट पे मेरे फ्रेंड्स और जो मुझे पहली बार सुन रहे हो, यार आप लोग जब भी रेलिंग लगवाते हो अपने घर के आजू बाजू, ग्लास रेलिंग्स लगवाते हो, तो ज़रा प्लीज़ एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जो आप रेलिंग लगवाते हो आपके आरसीसी पे या ईंट पे, किसी भी चीज़ पे, एल्यूमिनियम रेलिंग लगाते हो या स्टेनलेस स्टील का वर्टिकल पोस्ट खड़ा करके, बलूस्टर पोस्ट खड़ा करके रेलिंग लगाते हो, यार उसमें जो फास्टनर मारते हो ना, वो अच्छी क्वालिटी का मारो। अगर आप फास्टनर अच्छी क्वालिटी का नहीं मारेंगे, आज नहीं तो कल, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो एक बहुत ही बड़ा आपके लिए नुकसान होगा, शायद उससे कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो। तो दोस्तों, मैंने कई जगह देखा लोग फास्टनर जहाँ पे ज़रूरी है, M12 का, HLTSS का, लोग लोकल ला करके मार देते हैं, MS का मार देते हैं। ऐसा मत कीजिए यार, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और हाई राइज टावर में तो कभी भी ऐसा गलती से मत कीजिए। सो बस ये छोटी सी बातें डिस्कस करनी थी। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद।